This is question number one of the quiz, and if you have revised this topic, I would say this is very straightforward question. लेकिन अगर आपने रिवाइज किया है, नहीं किया है तो ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट लग सकता है आपको. देखते हैं क्या क्वेश्चन है ये. इफ 19th टर्म ऑफ नॉन जीरो एपी इज जीरो, देन 49th टर्म की रेशियो 29th टर्म के साथ निकालनी है. 19th टर्म पहले लिख लेते हैं. फर्स्ट टर्म लेट इट बी ए, एन 19 है तो यहाँ पे 18 आएगा, राइट. 18 डी इक्वल टू जीरो, एंड देन इट सेज दैट रेशियो ऑफ 49th टर्म क्या हो गई, ए प्लस 48 डी डिवाइडेड बाय 29th टर्म, तो 28 डी. फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया, एन ए टर्म इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस डी. ये है जो आपने 10th में भी पढ़ा था. ये रेशियो मुझे निकालनी है, तो मैंने यहाँ पे जब ये रेशियो निकालनी है मुझे, तो आप देखोगे अब मुझे ये रेशियो निकालनी है. अब यहाँ पे मुझे ए बाई डी की रेशियो यहाँ से आ रही है. देखो आप इसी क्वेश्चन से जीरो होने की वजह से आई कैन राइट ए इक्वल टू -18 डी में लिख सकता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे सिर्फ प्लग इन करना है मुझे. ए को -18 डी मैंने प्लग इन कर दिया. आप देखो ये क्वेश्चन था, ए को -18 डी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दोनों जगह प्लग इन किया है, ये था. अब ये मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, दिस इज 30 इंटू कॉमन डिफरेंस, दिस इज 10 इंटू कॉमन डिफरेंस. कॉमन कैंसिल किया, 0 0 कैंसिल किया, 3:1. ये क्वेश्चन था. देखो आप अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो मैं 100% कह सकता हूँ आपने या तो क्लास ढंग से अटेंड नहीं करी है मेरी प्रोग्रेशन की, या आपने गूगल प्रैक्टिस ही नहीं करी है घर पे. लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज 5 एंड लास्ट टर्म इज 45. फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है और सम 400 है, राइट. हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, एन एंड डी कॉमन डिफरेंस है, हमें रेशियो ऑफ एन बाई डी निकालना है. व्हाट इज द रेशियो ऑफ एन बाई डी, और फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म 45 है, राइट. और सम 400 है, तो फॉर्मूले दो ही हैं हमारे पास, एक है एन टर्म का फॉर्मूला, एक है सम का फॉर्मूला. दोनों लगाएंगे काम हो गया. हमें ये मेरा सम का फॉर्मूला लगाता हूँ मैं, तो ये फॉर्मूला है एन बाई टू इंटू टू टाइम्स, ये दूसरा लगाते हैं इसमें सम वाला. दो फॉर्मूले हैं सम के, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म वाला जो फॉर्मूला है ये वाला, ए प्लस एल वाला, राइट. यहाँ पे ए प्लस एल इक्वल्स टू 400 है, क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है. एन बाई टू फर्स्ट टर्म इज 5, लास्ट टर्म इज 45, दिस इज 400, मैं 50 हो गया डिवाइड बाई टू 25, एन इज 400 बाई 25 विच इज 16. ये आ गया. फिर लास्ट टर्म 45 गिवन है, फॉर्मूला लगाऊंगा मैं एन टर्म का, पिछले क्वेश्चन में लगाया था हमने, ये फॉर्मूला है कॉमन डिफरेंस डी. 45 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म 5 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स आ चुका है 16 है, ये 15 हो गया, इंटू कॉमन डिफरेंस यहाँ से आ गया, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 45 माइनस 5 इज 40 डिवाइडेड बाई 15, ये कॉमन डिफरेंस है मेरा. उसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 5 से डिवाइड करके नीचे 3 आ गया, ऊपर 8 आ गया. अब मुझे रेशियो निकाल लेता हूँ एन बाई डी की. एन मैंने निकाला था 16, डी मेरा 8/3 है, एंड इट कम्स आउट टू बी 6, रेशियो इज 6, दैट्स अ डी आंसर. थर्ड क्वेश्चन, इफ दिस इज एन ए पी सीक्वेंस एन ए पी, हमें ये हमें गिवन है 40, और हमें सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ ए पी निकालना है. सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ ए पी, एस 15 निकालना है, लिख लेता हूँ मैं. एन बाई टू होगा उसमें, ए प्लस एल भी आ सकता है, या फिर ये वाला फॉर्मूला है एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस डी, ये फॉर्मूला है मेरा जो मुझे चाहिए. तो मुझे यहाँ पे अब देखो ये फर्स्ट टर्म ए वन लिखा हुआ है, तो ए वन लिख देते हैं इसको. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होगा लास्ट दोनों क्वेश्चन से, ट्रिकी इन द सेंस कि जब तक करेंगे नहीं तो एकदम आइडिया नहीं आएगा क्या करना है. ये टर्म्स मुझे गिवन है, इसको मुझे मैनिपुलेट करना है. देखो आप कैसे, यहाँ पे ना हमें नंबर ऑफ टर्म्स 15 पता है तो मैं डाल लेता हूँ, क्या क्या नहीं पता वो देखते हैं. 15/2 आ गया, फर्स्ट टर्म नहीं पता मुझे, मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता है 15 है, तो मैंने इसको भी लिख लिया 14d, राइट. अगर टू कॉमन लेके कैंसिल भी कर सकता हूँ, 15 टाइम्स ए वन प्लस 7d, ये मुझे ना ए वन पता है ना 7d पता है, और मेरी इक्वेशन सिर्फ यही है, यहीं से निकलेगा जो निकलेगा, यही इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है. एक ही क्वेश्चन है, दो अननोन है, कहाँ से लाएंगे हम. इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये ए वन है, ये ए सेवन क्या है, ए वन प्लस 6d है, ए 16 क्या है, ए वन प्लस 15d है इक्वल टू 40, तो मेरा ए वन 3 टाइम्स है, 3a1
डी यहाँ से आ रहा है 21D। अब आप इसको बैठे रहेंगे कैसे सॉल्व करें, कहाँ से लाएं ए ओ डी, बस यहाँ फंस गए आप। लेकिन अगर थ्री कॉमन लेते हैं तो यहाँ बन रहा है A1 + 7D इक्वल टू 40। ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन यहाँ प्लग इन हो सकता है। देखो ये ट्रिक ये इसमें था, बैठ के सोचते रहेंगे तो नहीं होगा, करेंगे तो पता चला कि दो वेरिएबल नहीं चाहिए हमें, एक एक्सप्रेशन आ गया पूरा का पूरा वहाँ प्लग इन कर सकते हैं। तो ये 15 है और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली है 40/3, तो ये 5 × 40 हो गया आपका, 200 हो गया। ये देखो आप, राइट, ये क्वेश्चन था ये। तो करने के बाद पता चलता है अगर आप बैठ लेके बैठे रहते तो नहीं बात बनती इसमें। दिस इज़ क्वेश्चन बेस्ड ऑन जीपी सीक्वेंस, हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। फोर्थ टर्म और सिक्स टर्म की रेशियो गिवन है। फोर्थ टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म बी मान लेते हैं, राइट, और कॉमन रेशियो आर मान लिया, तो ये फोर्थ टर्म है मेरी। फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ, पता होगा ये फॉर्मूला है R^n-1 जनरल टर्म ऑफ जीपी का। ये जीपी की फोर्थ टर्म है और ये जीपी की सिक्स टर्म है। ये आ गया देखो आप 1/4, तो यहाँ से R² आ गया 4R = +-2, ये राइट। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ B2 गिवन है, सेकेंड टर्म Br, फिफ्थ टर्म Br^4 = 216, ये गिवन है। मुझे B1 की वैल्यू निकालनी है, B1 मतलब फर्स्ट टर्म निकालनी है, हमने B माना है इसको, B चाहिए मेरे को, फर्स्ट टर्म चाहिए B, और R यहाँ आ गया प्लग इन करना है। R को मैं यहाँ पे अगर मैं B कॉमन लेता हूँ, R को 2 प्लग इन करता हूँ, तो ये प्लग इन करके मेरा ये आंसर आता है। और साथ में गिवन है कि या और इंटीजर है, बी इंटीजर वैल्यू चाहिए मुझे, सारे नंबर्स इंटीजर हैं। तो यहाँ से ये यह आ गया 216/18, तो डिवाइड करने की कोशिश करी है मैंने इसको, तो 18 1 टाइम इज 18, देन 3 2 12 आ गया, B 12 आ रहा है डिवाइड करके, ये आ गया। अब कहेंगे R-2 भी तो लो, R-2 लेते हैं तो क्या आएगा, देखो आप ये -2 और ये 16 ही है, तो यहाँ से इंटीजर नहीं आ रहा है अभी, तो ये मुझे जो वैल्यू आ रही है 216/14, इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इंटीजर नहीं है, तो B 12 आंसर आ गया, राइट। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, जीपी का था लेकिन। सो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर दिस सीक्वेंस हुज सम अप टू एन टर्म्स इज गिवन बाय दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। SN पता है मेरे को। अब ये फॉर्मूला क्लास में भी डिस्कस हुआ है, ये नहीं पता तो बहुत गलत बात है। nth टर्म क्या होगी, सम ऑफ एन टर्म में से माइनस कर दिया सम ऑफ n-1 टर्म्स। तो अगर मैं लिख के भी दिखा देता हूँ आपको, S1 + S2 ऐसे चल रहा है मेरा, ये SN-1 है, ये SN है। अभी सम अप टू n-1 टर्म, सॉरी ऐसे मत लिखो इसको, टर्म्स है मेरी T1 T2 T3 सबका सम कर रहा है, मैंने लास्ट टर्म मेरी TN-1, लास्ट टर्म TN है ये, तो ये क्या होगा, ये मेरा सम अप टू एन टर्म्स साइड साइड पे, ये है सम अप टू n-1 टर्म्स प्लस TN, ये रिलेशनशिप है देखो आप, ये मैंने यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना सम करोगे तो सम अप टू n-1 टर्म्स है, उसमें लास्ट टर्म भी ऐड करोगे तो सम अप टू n टर्म्स हो जाएगा, तो ये रिलेशनशिप बनती है बिटवीन सम अप टू n टर्म्स एंड सम अप टू n-1 टर्म्स। तो मैंने क्या करा, और मेरे को SN तो पता है मुझे क्या है, 4n² + 6n है। SN-1 क्या होगा, सम अप टू n-1 टर्म्स क्या होगा, n की जगह n-1 प्लग इन कर लो, 4n-1² + 6 times n-1, ये करना है मुझे, ये माइनस कर दिया मैंने, n टर्म आ जाएगी, तो 4 कॉमन लेके n² - n-1² और यहाँ 6 कॉमन लेके n-1 + 1, ये आ गया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n a + b * a - b फॉर्मूला आइडेंटिटी, a² - b² इज a + b * a - b, दैट इज ऐड करेंगे तो 2n-1, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ रहा है, ये 6 आ गया, तो ये मेरा बन गया राइट 4 times a 10 + 2, ये मेरी जनरल टर्म बन रही है। अब मुझे निकालना है कौन सी टर्म है 5050, 5050 इक्वल टू a 10 + 2 है, राइट, तो a 10 + 2 माइनस कर लिया, 5048 / 8 करना है मुझे, ये मेरी नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी। सो डिवाइड करके 18 × 6 = 48 एंड देन 2 गोज दिस साइड, 3 and 1 = 631, दिस डी आंसर। नाउ दिस इज एन AP विथ 30 टर्म्स, सम अप टू 30 टर्म्स इज दिस S एंड सम ऑफ द या 30 टर्म्स एंड सम ऑफ द ऑड टर्म्स, देखो वो T है, ये हमें गिवन है। तो कैसे करना शुरू करेंगे क्वेश्चन, सम अप टू 30 टर्म्स है, फॉर्मूला लगा दिया 30/2, 2 into फर्स्ट टर्म a1 प्लस
प्लस एन माइनस वन, एन माइनस 30 टर्म्स हैं ये, 29 इंटू कॉमन डिफरेंस टी इक्वल टू एस आई है। टी क्या है, टी मेरा इस तरह से है, टी है मेरा ए वन प्लस ए थ्री प्लस ए फाइव, ये सीरीज है ऑड टर्म्स का सम है। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 15 है, इस बार 15 टर्म्स का सम करना। देखो यहाँ पे 15 टर्म्स का सम करना है, फर्स्ट टर्म मेरी ए वन है, ये सेम रहा, लेकिन जो ये 14 हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स 15 है, कॉमन डिफरेंस 2 टाइम्स हो जाएगा। देखो आप, क्योंकि ए थ्री माइनस ए वन है कॉमन डिफरेंस, तो ए थ्री थर्ड टर्म है, समझो ए वन प्लस टू डी है माइनस ए वन, क्योंकि थर्ड टर्म आ रही है, थर्ड और फर्स्ट का डिफरेंस डबल ऑफ द कॉमन डिफरेंस होगा, राइट। जो डी डी डैश है इसका, वो टू डी आ रहा है, ये मैंने चेंज किया है इसमें, इक्वल्स टू टी है। अब मुझे कह रहे हैं कि यहाँ पे एस माइनस जो टू टी है, डबल ऑफ टी माइनस करेंगे तो 75 बन रहा है, तो मैंने इसी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट करा, तो मेरा क्या बन गया यहाँ से, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 15 है, ये भी 15 है, तो ये मैं इसको लिख रहा हूँ क्या है, ये आ गया 15 टाइम्स 2a1 प्लस 29d माइनस 15 टाइम्स 2a1 प्लस 14 इंटू 2 28d इक्वल्स टू 75 गिवन है हमें। अब देखो ये इससे कैंसिल, ये बन रहा है मेरा 15 इंटू 29d, ये बन रहा है 15 इंटू 28d, 15 कॉमन लेके 29 माइनस 28d इक्वल टू 75, तो डी मेरा यहाँ से क्या आ गया, 75/15 5 आ गया मेरा, डी डी 5 आ गया, डी निकाल लिया। मुझे टेंथ टर्म निकालनी है, तो मुझे वेरिएबल है वो भी चाहिए, मेरे को फर्स्ट टर्म भी चाहिए, वो निकल जाएगी क्योंकि मुझे ए फाइव गिवन है 27, ए फाइव इज 27, तो मैंने फर्स्ट टर्म प्लस 4d इक्वल टू 27 कर दिया, और मेरा 4d मुझे पता है क्या है, d पता है मेरा 5, 27 फर्स्ट टर्म 7 आ गई। और मुझे टेंथ टर्म निकालनी है, तो टेंथ टर्म क्या हो गई, ए वन प्लस 90 हो गया, 7 प्लस 9 इंटू 5 हो गया, दैट इज़ 40, 52, 45 प्लस 7 52। तो दो पार्ट में किया है हमने, मेन तो ये पहला था, ये यहाँ से जो हमने डी निकाला कॉमन डिफरेंस, वो इस क्वेश्चन में मेन था, राइट। 52 ए आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज़ अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन, क्लास में भी किया था हमने, सम निकालना है, इसका सम निकाल के 27 एस बताना है। तो ये टिपिकल क्वेश्चन होता है, इसमें 3 कॉमन लेते हैं और 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। देखो अगर ये ने क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो रिवाइज नहीं किया आपने, 10 टर्म्स तक, 10 टर्म्स हैं इसमें, राइट। तो फिर इस 9 को मैं अंदर भेज देता हूँ, 1/3 टाइम्स ये बनता है 9 प्लस 99 प्लस 999 गोज ऑन, और टेक्निक ट्रिक इसकी यही थी कि 9 को लिखते हैं 10 माइनस 1, इस 99 को 10 स्क्वायर माइनस 1, फिर 10 क्यूब माइनस 1, इट गोज ऑन अप टू द लास्ट टर्म। तो 10 की जो जी पी बन जाती है ना, ये है इसमें 10 प्लस 10 स्क्वायर की जी पी बन गई है, और ये माइनस 10 लास्ट में अलग से हैंगे, 1/3 है। तो मैंने अब जी पी का फॉर्मूला लगा दिया, फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन रेशियो भी 10 है, नंबर ऑफ टर्म्स भी 10 है, 1 माइनस 10, और साथ में ये माइनस 10 साथ में चली रहा है, ये मैंने ऐसे किया। देखो इसको सिंप्लीफाई करना है आपने, बस सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सी आंसर आ जाता है इसका। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड इट हैज़ अ लॉग, बट स्टिल यू नो बेसिक लॉग आता है तो आप कर सकते हैं। एपी में है 3 टर्म, एपी में है 3 टर्म्स एपी में है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं 2 टाइम्स बी, 2 टाइम्स मिडिल टर्म इक्वल्स टू ए प्लस सी। तो 2 टाइम्स लॉग ऑफ 4 टू द पावर 1 माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म लॉग ऑन बेस 2, 5 इंटू 2 टू द पावर एक्स प्लस 1 प्लस 1, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इक्वल टू 2 टाइम्स द मिडिल टर्म। अगर आपने लॉग नहीं पढ़ा, नहीं रिवाइज किया है, तो नहीं कर पाएंगे, लॉग इसमें यूज हो ही रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, देखो ये बेस 2 है लॉग का, ये बेस 4 है, तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, मतलब अगर आपको अलग से लिख के देख लो, लॉग कोई एम ऑन बेस 4 है और 2 पे लाना है, तो हम पहले ऐसे लिखते हैं, लॉग ऑफ एम ऑन बेस 2 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 4 एंड बेस 2, ये प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, लॉग ऑफ प्रॉपर्टी की लगाई है मैंने, लॉग ऑफ बी ऑन बेस से ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ बी ओवर लॉग ऑफ ए, और कोई जो मर्जी बेस चूज़ कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है। तो आपने अगर नहीं रिवाइज़ किया तो आपको नहीं पता होगी प्रॉपर्टी। फिर अगले स्टेप पे मैं क्या करूँगा, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर,
और इस टू को मैं लॉग के बाहर ला सकता हूँ। ये सब लॉग के प्रॉपर्टीज़ हैं, उसी को समझ आएंगे जिसने लॉग रिवाइज़ किया हुआ। तो ये मेरा आ गया लॉग ऑफ एम वन बेस टू डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ यू नो टू, यहाँ टू आ गया वन बेस टू, ये मतलब ऐसे हो गया ये, राइट। फिर इसको मैं वापस में कंबाइन करके ऐसे लिख सकता हूँ, फिर मैं इसको वापस ऐसे लिख दूंगा पैक करके लॉग ऑफ एम ऑन बेस टू, बस ये डिवाइडेड बाय टू आ गया, देखो ये। फिर मैंने इसको वापस पैक कर दिया। तो यहाँ भी हम यही करेंगे नीचे, बस ये आप अगर ये जो अभी मैंने समझाया वही फॉलो कर लो तो ये क्या बन जाएगा, टू अपनी जगह है, ये बन जाएगा लॉग टू हो जाएगा और यहाँ टू आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी लगा के टू टू द पावर वन माइनस एक्स प्लस वन, ये इससे कैंसिल हो गया, टू लॉग टू और ये फाइव इंटू टू टू द पावर एक्स प्लस वन, मैं वन को भी लिख सकता हूँ ऐसे लॉग टू वन बेस टू, ये लिख लिया। फिर इसको ऐड कर लिया हमने, लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए बी, मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया टू टाइम्स, कोई और प्रॉपर्टी लगानी वो लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने लॉग दोनों साइड जब इनको मैंने ऐड किया तो लॉग ए प्लस लॉग बी इज़ लॉग ए बी, और दोनों साइड फिर लॉग कैंसिल कर दिया मैंने, लॉग गायब भी हो गया, ये दोनों साइड पर लॉग था ये आ गया मेरा, देखो आप, राइट। तो ये टू कहाँ से आया, मैंने ये वन था उसको लिखा है लॉग टू वन बेस टू, वन को तो लॉग को कंबाइन करना था मुझे, तो मैंने ऐसे कर लिया। दूसरा तरीका ये होता कि ये लॉग की टर्म है एम वन और बेस कुछ भी टू था यहाँ पे, और यहाँ लॉग एम टू था और बेस टू प्लस ऐसे था, आप इसको ऐसे भी कंबाइन कर सकते हैं इधर ले जाके, ये आ जाता है एम वन बाई एम टू और बेस टू इक्वल टू वन, फिर आप कहते हैं एम वन बाई एम टू इक्वल टू 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 द पावर वन, टू टू द पावर वन, अगेन लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करिए। प्रॉपर्टी रिवाइज नहीं करी है तो बहुत मतलब स्केरी क्वेश्चन होगा आपके लिए। सो ये हमने करना है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको मैंने टू लिखा डिवाइड बाई टू टू द पावर एक्स प्लस वन, रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर यूज़ करते हैं टेन टाइम्स टू टू द पावर एक्स प्लस टू, ये, और मैं टू टू द पावर एक्स को मैंने टी मान लिया, तो ये हो गया मेरा टू बाई टी प्लस वन इक्वल्स टू टेन टी प्लस टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टेन टी स्क्वायर, यहाँ भी ये वन हो जाएगा इधर, टेन टी स्क्वायर प्लस टी राइट इक्वल्स टू टू, टेन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, मेकिंग श्योर एवरीथिंग इज ओके। तो यहाँ से देखेंगे टी की वैल्यू क्या आती है, माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 81, तो फैक्टराइज भी कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। तो फैक्टर्स बन गए 10t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 4t माइनस 2 इक्वल टू ज़ीरो, तो एक बनता है यहाँ से 2t प्लस 1 और एक बनता है 5t माइनस 2 इक्वल टू ज़ीरो। तो t नेगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि एक्सपोनेंशियल है, 2 टू द पावर x को माइनस हाफ तो हो नहीं सकता, ये हमेशा पॉजिटिव होता है एक्सपोनेंशियल। दूसरी वैल्यू आ रही है 2 टू द पावर x इक्वल टू 2 बाई 5, तो यहाँ से राइट मेरा x आ जाएगा, मतलब जो भी आएगा मतलब वो, लेकिन हमें कैसे आंसर करना है, जो इसमें आंसर है कि जो x की वैल्यू आ रही है एज नेगेटिव रियल नंबर है, x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर राइट, x x एक मिनट पॉजिटिव नहीं, x यहाँ पे ऐसे आ रहा है, देखो x यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, ये कैसे मैंने डिसाइड किया है, क्योंकि आप निकाल लॉग लेके देखो, इसका लॉग लेंगे तो ये तो x बन जाएगा यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, या ये लॉग लिया ऑन बेस टू, तो ये एक्स बन गया और ये बना लॉग ऑफ टू बाई फाइव ऑन बेस टू, और ये नेगेटिव होगा क्योंकि लॉग में ऐसा ग्राफ होता है, देखो आप वन अगर वैल्यू वन से कम है तो लॉग नेगेटिव होता है, अगर अगर ऐसे नंबर का लॉग ले रहे हैं जो वन से कम है तो नेगेटिव वैल्यू आती है, और ये वन से कम है तो नेगेटिव आएगा, एक्स नेगेटिव हो गया। सो एक्स एंड वाई रिलेशन, इफ़ द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई आर सच दैट 20th अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन एक्स एंड टू वाई, जो 20th अर्थमेटिक मीन है वो सेम है बिटवीन 2x एंड वाई, ये 20th अर्थमेटिक मीन दोनों का सेम है, कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं, 99 मीन्स इंसर्ट किए हैं,
तो फॉर्मूला भी अगर याद है वो डायरेक्ट लगा सकते हो, फॉर्मूला याद नहीं है तो आप कैसे करते हो इसमें? आप कहते हो 2y इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस दो टर्म ऐड हो जाती हैं, 99 मीन्स इंसर्ट किए हैं, दो टर्म और ऐड हो गए, 101 हो गया, 101 टर्म्स हो गई हैं पी की। लास्ट टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस ये 100 इंटू कॉमन डिफरेंस डी आ गया। तो यहाँ से जो मेरा कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 2y-x/100। अब मुझे कौन सी टर्म की बात हो रही है, 20th टर्म निकालनी है इसकी, 20th मीन निकालना है, तो 21st टर्म हो जाएगी ए पी की। वो हो गया फर्स्ट टर्म ए दैट इज एक्स, फर्स्ट टर्म इज एक्स प्लस 21st टर्म है, क्योंकि मीन 20th मीन है तो एक फर्स्ट टर्म भी होती है, तो 21 आता है। इसलिए अगर आप पढ़ा था हमने क्लास में, ये 20 इंटू कॉमन डिफरेंस 2y-x/100 ये बन रहा है। और सिमेट्री से दूसरा टर्म क्या बनेगी, बस ये 2x हो जाएगा, ये 20th ही रहेगा सेम, ये भी 2x-y हो जाएगा, सॉरी y-2x हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई 100 ये रहेगा, ये इक्वेशन बन गया। दोनों 20th मीन को मैंने इक्वेट कर दिया दोनों के, इसको सॉल्व करना है। ये तो 1/5 है, ये भी 1/5 है, अब इक्वेट करेंगे तो ये यहाँ क्या आ रहा है, एक आ रहा है एक्स प्लस 1/5, दोबारा लिख लेता हूँ मैं, 2y-x इक्वल टू 2x इंटू y-2x डिवाइडेड बाय प्लस था डिवाइड बाई 5। तो मैंने कंबाइन कर लिया, एक्स एक्स कंबाइन किया, इसको उधर भेज दिया, 1/5 कॉमन लेके कैलकुलेशन है बिल्कुल, 2y-x-y+2x इक्वल टू यू नो एक्स, टू एक्स को एक्स से कंबाइन किया तो एक्स आ गया। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये वाई बन रहा है, ये एक्स बन रहा है, अब एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5x बन रहा है, वाई इक्वल टू 4x है, तो मेरा के जो था वो 4 आ गया, के पूछा था इसमें, ये के 4 आ गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10th, राइट? एंड देन एस एन प्लस 1, हमें जो ये जी पी गिवन है सीरीज, क्योंकि आप एक्सपेंड करेंगे तो ये इस तरह की टर्म आ रही है, राइट? तो इसका सम अप टू एन प्लस 1 टर्म्स है, राइट? 0 से लेके एन प्लस 1 टर्म्स, हाफ फर्स्ट टर्म, हाफ 1-1/2 टू द पावर एन ओवर 1-1/2, ये है सम, राइट? और इसमें से और मेरा अप टू इन्फाइनाइट टर्म्स की एस एन प्लस वन है। एस क्या है मेरा, इन्फाइनाइट जी पी है, इन्फिनिटी तक सम निकालना है, फर्स्ट टर्म हाफ कॉमन रेशियो हाफ, वो मेरा वन आ गया, हाफ वन आ गया वो, तो मुझे माइनस करना है एस एन प्लस वन में से, माइनस करना है एस, नहीं एस में से माइनस करना है एस एन प्लस वन, और ये 1/1 ये रिलेशनशिप की वन है। तो इसको मैं सिंपलीफाई कर लेता हूँ, ये भी हाफ, ये भी हाफ कैंसिल करा, 1-1/2 टू द पावर एन में से माइनस करना है मुझे 1, उल्टा 1 में से ये माइनस करना है, राइट? लेस देन 1/1000 है, तो देखने में मुश्किल लग रहा था, लेकिन ये क्या बना, 1/2 टू द पावर एन लेस देन 1/1000 है, तो हमें एन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, लीस्ट वैल्यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एन को 1 रखूँगा तो फेल हो रहा है, हाफ लेस देन 1/1000 गलत है, हाफ तो ज़्यादा है, 1/1000 तो बहुत कम है। तो ऐसे अंदाजे से देखो वैल्यू क्या आएगी, तो अगर मैं अगर 6 भी रखता हूँ या 7 रखता हूँ या 9 रखता हूँ तब भी कम है, तब भी फॉल्स है, देखो आप क्यों, क्योंकि ये मेरा क्या बनता है 1/512 बनता है, अभी भी ज़्यादा है देखो। तो मैं जब 10 रखूँगा 2^10 वो अब ठीक बना, देखो ये आप कैसे, क्योंकि 2^10 होता है 1024, अब ठीक बन गया। तो एन की मिनिमम वैल्यू 10 चाहिए तभी बात बनेगी इसमें, ये आ गया। और 10th 10 टर्म्स हैं जीपी की जिनका सम 18 की वन है, तो फॉर्मूला लगा दिया बी इंटू 1-r^10 ओवर 1-r इक्वल टू 18। अब उनके रेसिप्रोकल का सम 6 की वन है, 6 की वन है रेसिप्रोकल का सम, रेसिप्रोकल मतलब 1/b कॉमन रेशियो भी 1/r हो गई, रेसिप्रोकल कर लिया हमने, ये 1-r है, ये मैं यहाँ पे 6 की वन है, तो ऑब्वियसली डिवाइड करेंगे इसको, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा b²r^9 इक्वल टू 3 आ रहा है, कर लेना डिवाइड। और मुझे निकालना है प्रोडक्ट निकालना है इन सब टर्म्स का, b इंटू बी आर इंटू बी आर स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट निकाल वैल्यू निकालनी है। जब ये करेंगे तो b^10 बनेगा और r की जो पावर है वैसे बनेगी 1+2+3 अप टू 9, तो ये बन रहा है b^10 r^ यू नो 11 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 45। तो ये थोड़ा क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग लग सकता है, वेरिएबल एक ही दो वेरिएबल हैं लेकिन हम कैसे निकालेंगे, ज़रूरत ही नहीं है, ये देखो ये बन रहा है, ये चाहिए आपको, इसकी 5th पावर लो, इसकी 5th पावर लो,
इसको मैं अगर दोनों साइड पे फिफ्थ पावर ले लो तो ये अपना बी टू द पावर 10, आर टू द पावर 45 बन जाएगा, 3 टू द पावर 5, फिफ्थ पावर लेके पूरे वेरिएबल की वैल्यू आ गई। देखो ये 3 टू द पावर 5 दैट इज 243, राइट। तो मैंने जल्दी में करा है, कॉन्सेप्ट समझा दिए, तो आप कर सकते हो। ये करना था इस क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन है तो क्विज। प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी, प्रोडक्ट थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स का हमेशा हम बताया था क्लास में, ऐसे एज्यूम करते हैं बी और फिर बी आर। इससे अगर आप ऐसे एज्यूम करेंगे 512 प्रोडक्ट है, तो आप देखो ये मेरा आर से आर कैंसिल होकर बी क्यू इक्वल टू 512 आ गया, राइट। तो ये होता है 2 to the power 9, ये तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। यहाँ से 1/3 पावर ले ली तो बी की वैल्यू 8 आ गई है। इफ 4 इज एडेड टू ईच ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड टर्म, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म में ऐड करा है, इसमें 4 ऐड करा है, सॉरी फर्स्ट टर्म तो बी बाय आर थी, इसमें मैंने 4 ऐड कर दिया और सेकेंड टर्म में भी 4 ऐड किया है, ये सेम रखा है मैंने बी आर, तो ये टर्म ए पी में हो गई। तो 2 times ए पी का प्रॉपर्टी लगा दी, 2 times मिडिल टर्म इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट प्लस बी आर, और मेरा बी आ ही चुका है। देखो आप तो बी की वैल्यू 8 रिप्लेस करूंगा तो 12 into 2 = 24, बी को 8 रिप्लेस करा है 8/r प्लस 4 प्लस 8r, इसको इधर लेके हूँ 20 = 8 कॉमन लेके 1/r। देखो इसमें निकालना है क्या, पहले देखते हैं, इसमें निकालना है मुझे सम ऑफ द ओरिजिनल थ्री टर्म्स ऑफ द जीपी ऑफ गिवन जीपी, ओरिजिनल थ्री टर्म्स का सम निकालना है। तो ये देखो ओरिजिनल थ्री टर्म्स क्या है मेरी, ये बी, इनका सम निकालना है, बी बाय आर प्लस बी प्लस बी आर, और बी मेरा 8 है तो बी कॉमन ले लिया मैंने 8, तो मुझे चाहिए 1/r प्लस 1 प्लस आर। तो मेरा यहाँ से देखो, या इसकी भी ज़रूरत है, 8 भी अंदर ही रखो, 8/r प्लस 8r प्लस 8, ये सम चाहिए मुझे। ये वैल्यू तो पूरी की पूरी यहाँ से निकल रही है, देखो आप 4 भी है, 4 और ऐड कर दो दोनों साइड पे, तो पूरी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है, 28 आ गई। आई होप आंसर है 28, या डी आंसर है, ये मैं करना था इसमें। थैंक यू गाइस।